नागपुर के जरीपटका पुलिस स्टेशन ने मनोज हनवते नामक एक जाली डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई नागपुर नगर निगम यानी NMC के जोनल मेडिकल अधिकारी अतिकुर रहमान द्वारा की गई शिकायत के बाद की गई। हनवते 2018 से नाराज समता नगर में बिना किसी वैध डिग्री के चिकित्सा प्रैक्टिस कर रहा था। हनवते ने एक नकली आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरी BAMS की डिग्री बनाई थी और अपने घर को एक क्लिनिक में बदल कर मरीजों का इलाज करता था और दवाइयां देता था। NMC स्वास्थ्य विभाग की जांच में पाया गया कि हनवते का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ से फर्जी तरीके से हासिल किया गया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद ने भी पुष्टि की कि उसके पास महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल की वैध पंजीकरण नहीं है। जांच के बाद जरीपटका पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हनवते पुलिस की गिरफ्त से बचकर फरार हो गया है। मामला इस तरह का है कि समता नगर में क्लिनिक था डॉक्टर मनोज कुमार हनवते जो BAMS से डॉक्टर थे, उनकी डिग्री फर्जी है। इस प्रकार की तकरार नगर पालिका के पास गई थी हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में उनके डिग्री के बारे में इंक्वायरी करने के बाद उनको ये कंफर्म हुआ कि ये डिग्री फर्जी है, तो नगर पालिका की तरफ से डॉक्टर मनोज कुमार हनवते के खिलाफ गुनाह दाखिल किया है फर्जी डॉक्टर का। उस बारे में तफ्तीश चालू है। जब से नगर पालिका में इंक्वायरी चालू थी तब से डॉक्टर हनवते फरार है, क्लिनिक बंद है, उसका ढूंढना चालू है, उसका शोध चालू है और वो मिलने के बाद उसको किस किस ने मदद की इस गुने में ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में, उनकी भी तफ्तीश हो जाएगी। कितने साल से ये हॉस्पिटल चला रहे थे? ये हॉस्पिटल कम से कम पिछले 5 साल से चला रहे थे और यानी 5 साल से फर्जी डॉक्टर का काम कर रहे थे। इसके पहले कोई कंप्लेंट नहीं आई उनकी साल से बात से बात की और जो अभी कंप्लेंट आई है? ये कंप्लेंट अगर हमारे पास तो पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं थी, अगर कोई होगी तो नगर पालिका में हो सकती है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन नगर पालिका ने भी कंप्लेंट आने के बाद ही ये कार्रवाई की, तो इसका मतलब है नगर पालिका के बाद कंप्लेंट आने के बाद उन्होंने कार्रवाई की है। नहीं, NMC को पता चलने के बाद ही उन्होंने दाखिल किया ना। कोई भी अगर कंप्लेंट आई तो उसकी बेसिक इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि उसके पास जो डिग्री है वो कौन से, जिस यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो यूनिवर्सिटी के पास से डिग्री आई है नहीं है, ये सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद ही गुनाह दाखिल होता है। इमीडिएटली कोई कंप्लेंट आई और गुनाह दाखिल हुआ ऐसे नहीं होता। इसमें फर्जी डॉक्टर्स के और मेडिकल प्रैक्टिशनर के 33, 34, 35, 38 ये सब डॉक्यूमेंट और बोगस डॉक्यूमेंट के गुना दाखिल हुआ है। सर, कब से फरार है? ये जब से NMC की इंक्वायरी चालू है और उसको पता चल गया कि गुना दाखिल होगा अपने खिलाफ बोगस डॉक्टर का, उसके बाद वो फरार है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।